कोई लड्डू नहीं है। मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, राजनीति में जितना दुख मिलता है उतना दुख शायद नरक में भी नहीं मिलता होगा। राजनीति करने वाले लोगों को रात दिन भागना पड़ता है, और रात दिन ना सोना है ना सही सलामत खाना है, और ज़िंदगी को घुड़दौड़ बनाना है, अंधी दौड़ में शामिल होते हैं। इसलिए जो लोग राजनीति करते हैं उनकी पीठ थपथपा दिया करो, उनको धन्यवाद दे दिया करो, उनको एक दो माला पहना कर कह दिया करो कि आप बहुत महान हैं, बुद्धिमान हैं, तो वे राजनीति का लोड लेते रहेंगे। बिस्तर तो बहुत अच्छे इकट्ठे कर लिया है लेकिन विश्राम खो गया है, और भोजन बहुत अच्छा इकट्ठा हुआ है पर खाने का वक्त नहीं बचा है, और सुविधा के साधन बहुत हैं पर सुविधा लेने का भी संयोग नहीं बन रहा है। मैं तो सोचता हूँ राजनीति भी करना लेकिन हड़बड़ी मत करना, गड़बड़ी मत करना, प्रेम से करो राजनीति। ऐसे करो जैसे मंदिर में जाकर कोई पुजारी पूजा करता है, राष्ट्र देवता है और राजनीति मंदिर है और राजनेता पुजारी है। राजनीति के मंदिर में प्रवेश कीजिए पुजारी बन करके, और राष्ट्र देवता की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, और इस राष्ट्र देवता का सम्मान बढ़ाने के लिए, गौरव ऊंचा उठाने के लिए, भारत राष्ट्र को पूरे विश्व में चमकाने के लिए काम कीजिए। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, गंदी चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखना घर में भी एक बुरा आदमी घर को बदनाम कर देता है, आश्रम में एक बुरा संत आश्रम को बदनाम कर देता है, और बिजनेस में एक दुकानदार गलत है तो सबके ऊपर शक होने लग जाता है। इसलिए राजनीति भी अच्छी चीज़ है लेकिन मेहनत बहुत है उसमें। बिजनेस भी अच्छी चीज़ है पर उसमें भी परिश्रम बहुत है, सावधानी बहुत करनी पड़ती है। खेती भी अच्छी चीज़ है लेकिन खेती को जुआ कहा गया है, वर्षा ना हो तो खेती जीरो पर चली जाती है, और वर्षा हो तो थोड़ा कुछ मिल जाता है। और भक्ति सबसे अच्छी चीज़ है। आप खेती बाड़ी राजनीति बिजनेस कुछ भी करते हैं लेकिन इसके बीच में जो टेंशन आती है, तनाव आता है, चिंता होती है, उलझने होती है, उनसे सबसे बचाने का काम भक्ति करती है, बचाने का काम सत्संग करता है। ज्ञान ही आपको टेंशन से बचाता है, इसलिए सत्संग भक्ति से जुड़िए ताकि आपका मन टेंशन मुक्त प्रबंधन कर सके, टेंशन मुक्त मैनेजमेंट हो सके। द टेंशन फ्री मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। हंसते हंसते काम कीजिए, सेटिंग अच्छी कीजिए, भैंस का दूध खाइए लेकिन भैंस को मत खाइए। कोई भी बिजनेस कीजिए तो बिजनेस का कुछ परसेंट आप